लीलावती ने जैसे ही अपनी पुत्री को देखा, उस पर आग बबूला होकर कहने लगी कि इतनी रात बीती तो अब आ रही है, तेरे मन में क्या समा गया? तो कलावती कहती है, माँ क्या तेरी बेटी ऐसी है, तुझे अपनी पुत्री पर विश्वास नहीं? अरे माँ, मैं भीख मांगने के लिए ऐसी जगह गई कि जहाँ सारा गांव उसी ब्राह्मण के घर में बैठे थी, ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण की कथा हो रही थी, मैंने भी वो कथा श्रवण करी। हे माँ, वो कथा इतनी सुंदर कि जो उस कथा को करेगा या सुनेगा उसके सब प्रकार के पाप धुल जाएंगे और उनको हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। अब तुझे यकीन नहीं है, ये ले ये प्रसाद में तेरे लिए भी लाई हूँ। जैसे उसने प्रसाद का निवाला मुंह में डाला लीलावती ने, ऐसे ही उसके पाप धुल गए और उसको अपने पुराने बात याद आ गई जो उसके पति ने उसके बच्ची के जन्म होने से पहले जो बात करी थी भगवान की कथा का। कहने लगी, हे बेटी, हे कलावती बेटा, ये कहीं वही कथा तो नहीं है? एक बार तेरे जन्म से पूर्व तेरे पिताजी ने भी संकल्प करी थी कि हमारे घर में संतान हो जाएगी, हम सत्यनारायण की कथा करेंगे। लीलावती के मुख से ऐसी वाणी सुनकर के पुत्री कलावती कहने लगी, हे माँ, मुझे तो लगता है ये वही कथा है। बोला, बेटा मैं करूंगी, कल प्रातः काल ही अपने काम की बूटी बेच करके पैसा अपने बेटी के हाथ में रखे और कहा कि तुम पूजा का सामान लाओ, मैं बंधु बांधवों को बुलाती हूँ। दोनों माँ बेटों ने अपने अपने कार्य किया और अपना अपना कार्य किया और ब्राह्मण आचार्य के द्वारा सत्यनारायण की कथा सुनी। कथा में लीलावती ने अपने साड़ी का पल्लू पसार करके जब कथा समाप्त हुई, भगवान से भीख मांगी। क्या भीख मांगी? कि हे दयानिधे, हे प्रभु, हे दीन बंधु दीनानाथ, अगर मेरे पति और मेरे दामाद राजी खुशी है, जो जीवित है, तो कृपा करके हमें उनका दर्शन करा देना। और उन्होंने जो उनके उनसे जो गलती हुई है उसके दंड हमको दे देना, लेकिन हमारे पति को सब कुशल घर दे देना। और वहां पर भक्ति करने लगी और कहने लगी कि दिला दे भीख दर्शन की, प्रभु तेरी भिखारन हूं। हे प्रभु, मैं अपने पति और अपने दामाद की भीख आपसे मांग रही हूँ। और उसी भगत भगवान ने उसकी प्रार्थना मंजूर करी। राजा चंद्रकेतु के सपने में गए, राजा चंद्रकेतु को उठाया, हे राजन, जो दो वैश्य तेरे कारावास में बंद है, कल प्रातः काल ही उनको बंधन मुक्त कर देना और उनका जितना भी धन लिया है उसके बदले में दुगुना धन दे करके उनको विदा करना। अगर ऐसा नहीं करोगे तुम्हारा राजपाल पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा भयानक सपना जब राजा ने देखा, राजा भयभीत उठा। प्रातः काल उठते ही सभा लगाई, रात्रि का सपना दोहराया और सैनिकों ने मंत्रियों ने सलाह दी कि हो सकता है ये सपना सत्य हो। और उसी भगत राजा ने आज्ञा दे दी कि दोनों ससुर जमाई को बंधन मुक्त करके मेरे सम्मुख लाओ। सिपाहियों ने आज्ञा पा करके कारावास से दोनों ससुर जमाई को बंधन मुक्त करके राजा के समीप लाए। राजा ने उनका सौर कर्म वगैरह कराए, बड़ी बड़ी दाढ़ियां बढ़ गई थी, उनका स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना करके अलंकृत किया, बहुत सारा धन दे करके उनको विदा किया और फिर कहा, हे साधु, देवियों से तुमको ये दुख मिला है, इसमें हमारा दंड जमा कर दो। साधु वैश्य ने राजा को प्रणाम करके और कहा, हे राजन, ठीक है, जब आपके हमारे बच्चे हम अपने घर के लिए जाते हैं। और फिर वहां से अपने घर के लिए प्रस्थान किया। इति श्री रेवाखंडम सत्यनारायण मत कथायाम तृतीय पुराणम, हाथ जोड़िए। शांताकारं जगदयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवेद्यानगम्यं वंदे विश्वभुवनं सर्वलोकैकनाथं। जय चतुर्थ सत्यनारायण भगवान की भक्त कथा का चौथा अध्याय शुरू होता है। चौथे अध्याय में जब भगवान ने मन में विचार किया कि इसको इतने दिनों तक इतना दंड दिया, इतना दुख झेला इस आदमी ने, इतने जेल काटी, अभी भी इसके मन में कुछ छल कपट है या निश्चल है,
इसको अजमा लो, भगवान के प्रति कुछ आस्था है या फिर भी झूठ बोलता है, उसको अजमाने के लिए भगवान ने जहां पर वो दोनों ससुर जवाई विश्राम कर रहे थे रास्ते में, वहां पर उन्होंने अपना भेद बदला और दंडी स्वामी का रूप धारण किया और फिर उन दोनों ससुर जवाइयों के समीप जा करके साधु बैसर से कहने लगे, हे साधु तुम्हारी नौका में क्या वस्तु है? धन का लोभी बनिया ने भगवान के इस प्रश्न के उत्तर देने में क्या कहा कि हे दंडी क्यों पूछता है, क्या तेरी धन चोरने की अभिलाषा है? क्योंकि वो भगवान को चोर के रूप में समझा और कहने लगा, मैं तो बनिया हूं, मेरे नाव में तो लता पतादिक है। भगवान ने कहा, तथास्तु तुम्हारा वचन सत्य हो, सोना चांदी हीरा मोती गायब हो गया और उसमें सब घास फूस जमा हो गए। भगवान ऐसे उसको श्राप देके अदृश्य हो गए और जब नाव का कपड़ा हटाया देखा तो वहां घास फूस भरी हुई। साधु वैसा मूर्छा खा के जमीन पर गिरा। दामाद ने पानी के छाटे दिए, होश में आया तो कहने लगा, ये जवाई राज बेटा क्या लेके घर जाएंगे, हमारे साथ क्या हो गया? जवाई जी कहने लगे कि जो तुमने मांगा वही तो हुआ, तुमने जो बोला, तुमको क्या जरूरत थी ऐसे झूठ बोलने की? बोला, मैंने उनको उनने सवाल ही ऐसे किया कि तुम्हारी नाव में क्या है, इतने मैंने समझा चोर है, नाव के बारे में क्यों पूछ रहा है, तो मैंने झूठ बोल दिया। तो बोला, अब मैं क्या बोलूं, तुमने बोला तो वो तो कोई हो सकता भगवान रहा हो या कोई सिद्धु साधु रहा होगा, लेकिन भगवान तो कई रूप में भी आ सकते हैं और आपने उसको चोर समझा। तो बोला, आप क्या करें? बोला, क्या करें, नहीं उनके शरण में जाओ। बोले, उनके शरण में मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ किधर चला गया होगा? बोला, ये बात गलत है तुम्हारी, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा को कुआं के पास जाना पड़ता है। अपने दामाद से विचार विमर्श करके और मिट्टी में उसके पांव के छाप देखते देखते आगे गया, क्या देखता है कि दंडी स्वामी एक बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए माला जप रहे, जाके उनके चरणों पर लपट गया, रोने लगा, कहने लगा, हे प्रभु, हे दंडी, मैं मूर्ख हूं, मेरे अनजाने में आपके रूप और गुणों को तो भगवान भी बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं पहचान पाए, ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप और गुणों से मोहित हो गए, तो मैं तो ये धन का लोभी हूँ, मैं कैसे आपके रूप और गुणों को पहचान सकूँ? हे प्रभु, मैंने झूठ बोला है और मैंने आपको चोर समझा, इसलिए प्रभु मैं माफी चाहता हूँ और पूर्व संचित द्रव्य प्रदान करके मेरी जान बचाइए, मैं घर जा करके आपकी बहुत बड़ी मूर्ति बनाऊंगा, आपकी बहुत बड़ी कथा करके। और फिर मेरा ऐसा जब उसने कहा, कहने लगा, हे भगवान, हे द्वार, हे प्रभु, आप तो जिसको आपके नाम से तो पत्थर भी तर जाते हैं और आप जिसको छू लेते हो वो तो बैकुंठ चला जाता है, इसलिए हे प्रभु अगर आपने मेरा उद्धार करना है तो हे दया निधे, मेरे को भी आपने बड़े बड़े पापी तारे, हे प्रभु मेरे को भी आप मेरे को तारण करो। भगवान से कहने लगा, हे देवादिनाथ, हे देवादिदेव प्रभु, राख लाज तू, आया हूँ मैं शरण तेरी, तार तार तू, हे दुनिया के तारनहार, हे प्रभु अब मेरी भी नैया पालोगा मुझे, मैं किस मुंह लेके घर जाऊंगा, क्या मैं घात लेके घर जाऊं? भगवान ने कहा, जाओ, तुम्हारा खोया धन तुमको प्राप्त हुए और तथास्तु करके उसको आशीर्वाद दे करके वही अंतर्दान हो गए। वापिस आके नाव का कपड़ा हटा के देखा, सब धन पहले जैसे विद्यमान है और फिर अपने दामाद को कहा, ये पुत्र देखो, भगवान की हमारे पर दया हो गई, जल्दी जल्दी अपने घर के लिए चलो, जल्दी जल्दी घर के लिए गाड़ी अपना नाव को हाँका और आगे जा करके क्या देखा कि अपना गांव बहुत नजदीक आ गया। धन के रक्षक दूत को अपने आने की सूचना देने के लिए घर में भेजा, दूत रत्नपुर गांव में गया, लीलावती और कन्या कलावती दोनों माँ बेटी सत्यनारायण की तैयारी कर रहे थे और दूत ने शैतानी को प्रणाम करके कहा कि आपका दामाद और आपका पति प्रवास से बहुत सारा धन लेकर के नदी के तट पर पहुंच गए, आप उनकी अगवानी के लिए उनका दीदार के लिए चलो। दूत के मुख से ऐसा वचन सुना, उस लीलावती के आंसू झरझर बहने लगे, सोचने लगी, भगवान ये मैं क्या सुन रही हूँ, जिनकी रंत्र व्यवहार कुछ नहीं, चिट्ठी पत्री कुछ नहीं और वो एकदम इतना धन लेकर के, मैंने तो प्रभु अपने पति और अपने दामाद के दीदार मांगा था, आपने तो हमको छप्पर फाड़ के दे दिया। दूत कह रहा कि बहुत सारा धन लेके आए, हे प्रभु मैं मेरे पास आपको
आपका धन्यवाद देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आपने हमारे पर बड़ी मैत्री कृपा करी। वहां से एक फूल उठाया, अपनी बच्ची के हाथ में रखा, हे पुत्री हे कलावती बेटा नदी के तट से दूध शुभ समाचार लाकर लेके आया है, तेरे पिता और तेरे पति के आने की खबर लेके आया है। बेटा मैं जा रही हूँ तेरे पिताजी के दीदार करने, और तू सत्यनारायण की कथा करके चली आना। यहाँ पर दोनों का मनभेद, बच्ची के मन में मनभेद हो गया, माँ से बोलते नहीं पाई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि बुढ़िया का दिमाग खराब, तो जा रही बुढ़े को मिलने और मेरे को करी तुम सत्यनारायण की कथा करो। और उसने कथा नहीं सुनी, अपना ध्यान माँ के पीछे चला गया और वहां पर कथा भी समाप्त हो गई। ब्राह्मण से कहने लगी हे ब्राह्मण देवता आपने जल्दी कथा कर दी। ब्राह्मण ने कहा कथा तो पूरी अपने समय पर ही खत्म हुई, पर बेटा तुम यहाँ पर नहीं थी, तुम्हारा शरीर था, तुम तो अपने पति की ढूंढ में चली गई थी माँ के पीछे। हाँ बोला ये तो तुमने सही कहा। तो बोला जब तुमने कथा नहीं सुनी सत्यनारायण के प्रसाद तो खा लो, सरनामृत पी लो। बोला ये कहाँ हमारे पीछे पीछे जाएगा, मैं पहले अपने पति का दीदार करूंगी, फिर हम दोनों जो है सत्यनारायण का प्रसाद और सरनामृत लेंगे। बोला तुम्हारी मर्जी बेटा, उसमें हमारे को बोलने की कोई जरूरत नहीं, जैसी इच्छा वैसा करो। सरनामृत प्रसाद का परित्याग करके कलावती अपने पति के दीदार के लिए गई, नदी के तट पर गई, चारों तरफ देखा उसका पति कहीं दिखाई नहीं दिया। अपने पिताजी से कहने लगी इस मंडली में आपके दामाद नहीं है। साधु वैसा कहने लगा बेटा मैं भी बड़ा दुखी हूँ, अभी तक हमने दामाद को कभी बहता हुआ या भागता हुआ डूबता हुआ देखा नहीं, पर जिस नाव में दामाद है वो नाव भी नहीं है, इससे यही लगता है कि उन्होंने जल समाधि ले ली। इसलिए कन्या कलावती ने अपने पति के बारे में मरा सुन करके बहुत विलाप करने लगी, बहुत विधि विलप ही चरण लपटानी परम अभागन आप ही जाए, मेरे जैसे अभागन कोई दुनिया में होगा। शादी के दिन मैंने उनको देखा था आ घर के पास आके, भगवान तुमने मेरे को विधवा का छाप लगा दिया, मेरे पति को उठा लिया। और विलाप करने लगी, माता ने अपने बेटे को रोते हुए देखा, उसका सिर अपने गोदी में रखे दोनों माँ बेटी विलाप करने लगी। कन्या कलावती ने ब्राह्मण के घर में पांचों अध्याय सुनी थी, माँ के गोदी में सिर रख के रोते रोते उसको ख्याल आया कि अरे मूर्खा कौन मरा, मरता तो शरीर है आत्मा तो अजय अमर है, इसलिए इन आंसुओं की क्या कोई कीमत नहीं है। अब उसने क्या कहा कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं अपने पति के साथ जाऊंगी, अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी, लेकिन सती होने के लिए पति की निशानी भी चाहिए, उनके पास पति की निशानी कुछ था नहीं, कुछ रहा नहीं, पति का शरीर नहीं है। तो शादी के दिन की चरण पाद का घर में पड़ी थी, तो लीला कलावती सोच रही कि जी बिन देह नदी बिन वारी तैसे ही नाथ पति बिन नारी, जैसे बगैर प्राण का शरीर खराब लगता है, बगैर पानी की नदी खराब लगती है, ऐसे ही बिना पति की नारी खराब लगती है। कौन सी नारी, जिसके संतान न हो, और जिसके संतान हो उसको सती होने का अधिकार नहीं है, उसको अपने पति का जो बाकी काम रहा हुआ बच्चों को पढ़ाना लिखाना योग्य बनाना वो माँ करती है, तो उसके पास ऐसा कुछ था नहीं, सती होने का पूरा उसको अधिकार था। और घर गई, सोना श्रृंगार किया, अपने पति की चरण पादुका लकड़ी की खड़ाव से संभाल के रखी थी, और उनको अपनी चुनरी पे लपेट करके हाथ में नारियल लेकर के और शादी के दिन के जोड़ा पहन के नदी के किनारे आई, चंदन की चिता लगाई, चिता के ऊपर बैठी, माँ के हाथ में नारियल थमाया और कहने लगी हे माँ रच रची चिता लगाई के पाव देहू लगाई के शरीर को भस्म करो मिलू पति से जाए, इतनी कृपा कर दे मेरी चिता पे तो आग लगा दे, मैं अपने पति की चरण पादुकाओं के साथ में अपना शरीर का राग बनाऊंगी, बैकुंठ में मैं अपने पति का दीदार करूंगी। और कन्या कलावती चिता के ऊपर बैठ गई तो साधु बैठे ने उसका हाथ खींचा नीचे पटक दिया, मन में विचार करने लगा, कहने लगा हे पुत्री हे कलावती बेटा ये कौन से जमाने का बैर वसूल कर रही, ये दुख मेरे लिए कोई कम है, 12 साल हमने जेल काटी और फिर आधे रास्ते में आकर के हमारे नाव में से धन गायब हो गया, अब घर के पास आए दामाद गायब हो गया, ये दुख मेरे लिए कम है। इसलिए कल्या कलावती कहती है पापा आप मेरे को रोकोगे तो आप नरक जाओगे। साधु वैसे कहता है बेटा मैं सब जानता हूँ मैं तेरे को नहीं रोक सकता,
परंतु थोड़ा मुझे समय तो दे दे तो जल के भस्म हो जाएगी और उधर कैसे दामाद प्रकट हो गए तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा कि कैसा नालायक बाप था, अपने सामने बच्चे को जला दिया और दामाद कैसे आ गए। इसलिए तू मुझे समय दे दे, क्योंकि तेरा अधिकार है, तू तेरे बाप अपने पति की धनौट नहीं है, तुझे अधिकार है सती होने का और कन्या कलावती ने कहा ठीक है मैं आपको समय देती हूँ। साधु वैसे ने एक टांग में खड़े होकर के घोर तपस्या करी, भगवान का आसन डुल गया, आकाशवाणी हुई, हे साधु रो मत, तेरी कन्या मेरे प्रसाद का परित्याग करके अपने पति का दीदार के लिए चली आई, अगर ये कन्या अपना पिता पति का दीदार चाहती है शीघ्र घर जावे, चरणामृत पान करे, प्रसाद भक्तन करे, निसंदेह इसके पति का दीदार होगा। आकाशवाणी कन्या कलावती ने भी सुनी, शीघ्र घर गई, भगवान से माफी मांगी, चरणामृत प्रसाद खा के अपने पति के लिए फूल पान लेके नदी पर पहुंची। क्या देखती है वो बंधु बांधवों के साथ बीच में बैठा हुआ, जाके उसके चरणों में लपट के कहने लगी, रोने लगी कि तुम कहाँ गायब हो गए थे। उसने कहा मैं तो यहीं का यहीं बैठा हूँ, ये लोग कोई मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, न मेरी बात का जवाब दे रहे हैं। भगवान ने वो लीला ऐसे लीला करी थी कि वो सबको दिख वो सबको देखता है लेकिन उसको कोई नहीं देखता, वो सबकी आवाज़ सुनता है लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। तो कंटाल गया तो चुपचाप कहने लगा कि तू भी तो इधर से आई थी, मैंने कहा कि कलावती मैं यहाँ बैठा हूँ, तूने मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया। अरे बोला ये ऐसा नहीं है, ये हमारी पूर्व जन्म की हमारे पूर्व कथा है मेरे जन्म के समय की। बोला तब उसने वो कहानी सुनाई जो उसके बाप ने भगवान से सत्यनारायण की कथा करने की बात कही थी। तब कहा ये भगवान के ये दारुण दुख हमको भगवान ने दिया, अब नहीं होगा। घर जा करके स्वर्ण में प्रतिमा बनाई, बड़ी कथा करी, इस कथा के प्रभाव से धन धन्य समृद्ध हो गया, फिर उस घर में संतान भी हुई, इस लोग में सब सुखों को भोग करके अंत में वह परम धाम का भागी बना। इतनी श्री देवा गंडम सतनाम भक्त काया चतुर्थ पुराण महाजुड़ी परिवार है तो बाण है सहाय धर्म में मान सकल कार्य श्री सत्यनारायण भगवान परम प्रभु बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अतः पंचमो अध्याय सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पांचवा और लास्ट अध्याय शुरू होती है। पांचवा अध्याय में जो आप कथा सुनोगे वो केवल प्रसाद के बारे में है, जिसने प्रसाद को खाया उसको क्या मिला, जिसने प्रसाद को त्यागा उसको क्या मिला। कथा इस प्रकार है कि सत्युग में तुंगधुंग नाम के बड़े प्रतापी राजा थे, वे एक बार शिकार खेलने जंगल में गए और जंगल में जा करके उन्होंने एक प्रेत राज से उनका मुकाबला हुआ। प्रेत ने अपने पूर्व जन्म की कहानी उनको सुनाई और प्रेत तत्व से मुक्त करने के लिए उनसे विचार विमर्श किया। राजा ने उनसे वचनबद्ध किया कि मैं तुम्हें प्रेत तत्व से मुक्त कराऊंगा। और फिर राजा ने उस प्यास लगी हुई थी बहुत से जानवरों को मार करके शिकार खेल के राजा ने उस प्रेत को पूछा कि जंगल में कहीं ठंडा पानी मिलेगा। प्रेत को तो घाट घाट का पता था, उसने कहा हाँ जंगल के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ है, उसके नीचे एक सुंदर सरोवर बह रहा। राजा प्रेत के साथ में वहां पर गया, पानी पिया, घोड़ों को भी पानी पिलाया और उस बड़ के पेड़ के आजू बाजू ग्वाल बालों ने एक चौरी बनाई थी। राजा उस चौरी में बैठ करके अपने सैनिकों का इंतजार करने लगा। ठंडी हवा से राजा की आंख लग गई, पेड़ ने उसने प्रेत ने देखा राजा की आंख लग गई और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वहां पर ग्वाल बाल सत्यनारायण की कथा कर रहे थे, ग्वाल बालों ने देखा हमारा राजा आए हैं, बड़े प्रसन्नता से खुश होकर के और सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेके राजा के सम्मुख गए। राजा को हाथ जोड़ के विनती करी, हे राजन हम ग्वाल बाल हर महीने जंगल में सत्यनारायण की कथा करते हैं, क्यों करते हैं कि जंगल में शेर बाघ हाथी बड़े हिंसक पशु होते हैं, उनसे हमारी और हमारे गाय बच्चों की रक्षा होती है, तो हम हर महीने में कथा करते हैं। आज की कथा में आपके आने से हम बड़े खुश हो गए, हमारी कथा पर आपने चार चांद लगा दिए, हे राजन आप भी भगवान का ये प्रसाद ग्रहण करो और
जैसे ही राजा के पास उसने प्रसाद की बात कर, राजा को एकदम क्रोध आ गया। राजा को राजा होने के गर्व से गर्वित राजा ने उस ग्वाल बाल को, उस ग्वाले को भला बुरा बोल दिया, अपना समूह लेकर के वापिस चला गया, रोने लग गया। और इधर राजा प्रसाद का त्याग करके घर चला गया, भूल गया कि मैंने प्रेत को भी वचन दिया है, भूल गया कि मेरे सैनिकों का भी निजात करना। गुस्से गुस्से में अपने घर गया। और इधर प्रेत ने जब राजा को जाके देखा तो प्रेत ने मन में विचार किया, ये कैसा राजा है, मेरे से वचन किया, मेरे को बुलाया भी नहीं, अपने घर के लिए जाता। प्रेत राजा के साथ चलने के लिए पेड़ से उतरा, नीचे राजा का त्याग हुआ प्रसाद वहां पर पड़ा था। फिर भिक्ष होने के नाते प्रेत उसको खुशी खुशी से खा गए। और जैसे ही उसने एक निवाला अंदर डाला, ऐसे उसका प्रेत पन्ना गायब हो गया। स्वर्ग से देवदूत सोने का विमान लाए, प्रेत को मुक्ति मिल गई। इधर प्रसाद को त्याग करके राजा घर गया, सब पुत्र नष्ट हो गया, राजपाल विनष्ट हो गया। रात भर राजा रोता रहा। सवेरे के टाइम पर आग लगी तो भगवान सपने में आए, क्योंकि वो राजा भगवान का परम भक्त था, बहुत पूजा पाठ करता था। सपने में आकर के भगवान से कहता है, हे भगवान, मैं बिना अन्न जल दिए हुए मैं आपकी पूजा करता हूँ, और उसका मेरे को यही श्रेय दिया। भगवान ने कहा, तू अकेला मेरा भक्त नहीं है, वो ग्वाल बाल के मेरे भक्त नहीं थे जो जंगल में मंगल करते हैं। अरे तू तो ढोंग धती वाला है, और वो बेचारे सच्चे मन से करते हैं वो ग्वाले, और तू बोलता है कि मैं इन मंदिरों में रहता हूँ, मैं इन मंदिरों में नहीं रहता, यहाँ पे मेरी मूर्ति रहती, मेरी तस्वीर रहती है। मैं तो वो तस्वीर जो अबोल है, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं बोल सकती, वो मंदिरों में रहते हैं, और मैं वहां रहता हूँ जहाँ पर मुझे स्मरण करता है। वो ग्वाला मुझे स्मरण कर रहा था, मैं उस ग्वाले के हृदय में था, क्योंकि मैं उस मंदिर में रहता हूँ जिसको कोई कड़िया नहीं बना सकता, कोई मिस्त्री कोई सुतार नहीं बना सकता। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर अलीशान, ऐसे अलीशान मंदिर में मैं रहता हूँ, और तूने वहां चोट पहुंचाई, वो चोट मुझे लगी, मैंने तेरा नुकसान किया। अपना कल्याण चाहता है, उन्हीं ग्वाल बालों के द्वारा कथा श्रवण कर और उनके द्वारा प्रसाद खा, तेरा कल्याण होगा। ग्वाल बाल संग राजा मन में भक्ति करी, मन बांचत फल दीना दीन दयानंद। और फिर राजा ने ग्वाल बालों के द्वारा प्रसाद खा के, उनकी कथा सुन के, फिर राजा के सब पुत्र पहले जैसे हो गए, तब से वो राजा हर महीने इस भक्त कथा को करता था, सब सुखों को भोग करके अंत में परम धाम का भागी बना। जिस जिसने इस भक्त कथा को किया, उनके दूसरे जन्म की बात करता था बताता हूँ। सबसे पहले सदानंद नामक गरीब ब्राह्मण ने भक्त कथा को करी थी, दूसरे जन्म में वे सुदामा भक्त बन करके श्री भक्त श्री कृष्ण भगवान के मित्र बन करके उनके दसों द्वारा बैकुंठ को गए। दूसरे नंबर पर लकड़ी बेचने वाला दूसरे जन्म में केवट बना, वनवास के समय में राम लक्ष्मण सीता जी को नौका में बिठा करके सिंधु पार कराया, स्वयं भी भगवान के दर्शन भागे और सिंधु पार हो गया। तीसरे नंबर पर उल्का मुख नाम के जो राजा थे, वो दूसरे जन्म में स्वयं राजा दशरथ बने, जिनका नाम मैंने आपको बताया था, उनका असली नाम दशचंद्र था। वो दूसरे जन्म में स्वयं राजा दशरथ बने और पुत्र वियोग में श्रृंगेश्वर का ध्यान करके बैकुंठ को गए। चौथे नंबर पर साधु नाम का बनिया, दूसरे जन्म में इतना बड़ा दानवीर बना कि भूतों ने भरत सते। दूसरे जन्म में वो राजा मोरधर बना, अपने इकलौते बेटे धीरध्वज को दोनों राजा रानी ने आर से चीर करके भूखे शेर को जमाया, श्री कृष्ण और अर्जुन के दर्शन पा के बैकुंठ को गए। पांचवे नंबर पर राजा तुंगध्वज, जिसके त्यागा हुआ प्रसाद को खा के प्रेत को मुक्ति मिली, वो दूसरे जन्म में मनु नामक बहुत बड़े ग्रंथकार बने, जिन्होंने मनुस्मृत नामक ग्रंथ को बनाया और श्रीमद भागवत की कथा में प्राणायाम के द्वारा प्राण को त्याग के बैकुंठ को गए। अंत में वो ग्वाल बाल भी थे, उन्होंने दूसरे जन्म में ब्रजवासी बने, श्री कृष्ण के साथ में कंस वध करते समय सेनानी के रूप में उन्होंने मदद किया, श्री कृष्ण के दर्शन पा के बैकुंठ को गए। इसी प्रकार जो भी इस व्रत कथा को करता है या सुनता है, उसके सब प्रकार के पाप भूल जाते हैं, हर मनोकामना पूर्ण होती है। और जैसे जैसे उन सब की मनोकामना पूर्ण हुई, ऐसे आप कथा कराने वाले और कथा सुनने वाले श्रोताओं की भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। सर्वे संत सुखी नाम, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःख भयं। तो इस प्रकार से ये कथा आपने भी सुनी थी, श्री रेवाखंडम सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमम पुराणम संपूर्णम। लीजिए बेटा फूल लो हाथ में। देव के देव गर्व जननी गोपी ग्रह वर्णनम मायापूतल।
मैंने चौकी ध्यान में देखा तो आप लोग बोला परिवार है तो कौन है सर। हमें सरकार से दाए नमा आरती।